रामपुर खंड विकास अधिकारी कार्यालय को लेकर रामपुर में राजनीति गर्मा गई है और आरोप प्रत्यारोप के बीच मामला बढ़ता जा रहा है। लेकिन अब बीडीओ के बचाव में रामपुर का पंचायत परिषद खड़ा हो गया है। दरअसल बीडीओ पर एक महिला पंचायत प्रधान द्वारा संगीन आरोप लगाए गए थे। खंड विकास अधिकारी कार्यालय को लेकर रामपुर की राजनीति गर्मा गई है। आरोप प्रत्यारोप के बीच मामला बढ़ता ही जा रहा है। दो रोज पूर्व तकलेज पंचायत की प्रधान भवना खंड विकास अधिकारी के कार्यालय पंचों और कुछ महिलाओं को लेकर पहुंची। उसके बाद खंड विकास अधिकारी पर महिला जनप्रतिनिधियों पर गलत दृष्टि रखने का आरोप जड़ा गया था और कार्यालय के बाहर हंगामा भी किया गया था। इसी मामले को लेकर सोमवार को पंचायत परिषद रामपुर खंड की बैठक रामपुर के खंड सभागार में हुई। पंचायत प्रधानों ने तकलेज पंचायत के प्रधान के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि यह सरासर झूठे आरोप है। पंचायत प्रधानों ने एसडीएम रामपुर व डीएसपी रामपुर को भी ज्ञापन सौंपा। उन्होंने तकलेज पंचायत प्रधान के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि तकलेज पंचायत के प्रधान के खिलाफ जांच चल रही है और पंचायत प्रधान ने 33 लाख रुपए के सरकारी धन का दुरुपयोग किया है, इसलिए महिला प्रधान ने जांच को प्रभावित करने के लिए इस तरह के तुच्छ हथकंडे अपनाए हैं। पंचायत परिषद की बैठक में पंचायत प्रधानों ने कहा कि तकलेज पंचायत के प्रधान की झूठी साजिश से रामपुर का नाम बदनाम हुआ है। उन्होंने कहा कि तकलेज पंचायत प्रधान पवना जल्द इस मामले में स्पष्टीकरण दे और माफी मांगे, अन्यथा वे न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। आज हमारी पंचायत परिषद की बैठक हुई, जिसमें सबसे पहले मुद्दा ये रहा कि जो पवन ने यहाँ अपनी वीडियो वायरल की, साथ में वीडियो ऑफिस में हंगामा किया, उसका हम विरोध करते हैं कि ऐसी मतलब घटनाएं नहीं होनी चाहिए। वो जो है हमारे पंचायत परिषद के प्रधानों के लिए और जो है वीडियो के खिलाफ जो है ये ऐसी कार्रवाई करे, क्योंकि वो इस कई घोटालों में सम्मिलित है, उससे बचने के लिए वो इस प्रकार के हथकंडे अपना रही है। जो तकलीज पंचायत की प्रधान कुमारी पवना ने जो हम महिलाओं पर जो आरोप लगाए थे कि ये बेचारी अभी बोल नहीं पाती है, तो मैं मीडिया के माध्यम से पवना जी को कहना चाहती हूँ कि 21वीं सदी की महिलाएं हैं और ये दरवाजे के अंदर बंद कमरे में रहने वाली महिला नहीं है, आज़ाद देश में जी रही हैं। आपने जो ये आरोप सरासर निंदनीय है, इसका हम कड़ा विरोध करते हैं। पंचायत परिषद की सारी महिलाएं पुरुष इसका कड़ा विरोध करते हैं कि आप भी ऐसे शब्द आपने मीडिया के माध्यम से और आप जो वीडियो वायरल जो हो रहा है, आपने ये शब्द बोले कैसे। खंड रामपुर में पंचायत सचिव के पद पर कार्यरत हूँ और मैं वर्तमान में ग्राम पंचायत नीरथ में पंचायत सचिव के पद पर कार्यरत हूँ और मैं आरडीडी की सेक्रेटरी हूँ और पिछले लगभग 20 वर्षों से मैं इस पद पर कार्यरत हूँ। पिछले एक दो दिनों से जो सोशल मीडिया में जो वीडियोज़ और मैसेजेस वायरल हो रहे हैं, जिसमें कि ये बताया जा रहा है कि हमारे जो वर्तमान खंड विकास अधिकारी श्री प्रताप चौहान जी हैं, वे उनका जो है महिलाओं के प्रति जो व्यवहार है वो सही नहीं है, वे महिलाओं को गलत नज़र से देखते हैं, इस तरह की जो बयानबाजी हो रही है वो बहुत ही गलत है और आपत्तिजनक है। और ये सब देख के और सुन के जहाँ हम एक और बहुत ही आश्चर्यचकित हुए हैं। सिटी चैनल के लिए रामपुर से विशेष नेगी की रिपोर्ट।